तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको एक आरसी प्लेन बनाकर दिखाने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, और हम आपको इसका डायमेंशन भी निकालना बताएंगे कि आप इसका डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं और उसकी मदद से आप अलग अलग तरीके के प्लेन को बना सकते हैं, और इसे बनाने में क्या क्या लगेगा और इसे बनाने में कितना खर्चा आएगा इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल से बताने वाले हैं। तो गाइस यार वीडियो के एंड तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले हमने थर्माकोल शीट से कुछ इस टाइप का पीस कट कर लिया है जो कि हमारे आरसी प्लेन का मेन विंग है, जिसकी लंबाई हमने करीब 38 इंच रखी है और इसकी मिडल से चौड़ाई हमने करीब 8 इंच और साइड से इसे हमने करीब 6 इंच का रखा है, और हमने 7x2 इंच के दो एलेरॉन की भी मार्किंग कर ली है। अब इसको क्या करना है, कुछ इस टाइप से पलट लेना है और फिर हमें कुछ इस टाइप की एक लकड़ी लेनी है जो कि इस पर कुछ इस तरीके से फिक्स करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ब्लेड की मदद से इसकी मिडल पर हमें एक कट लगा लेना है जिसमें कि हमारी जो लकड़ी है वो अच्छी तरीके से फिक्स हो सके। तो हम पेपर कटर की मदद से इस पर हम कुछ इस टाइप से कट लगा दे रहे हैं ताकि जो हमारी लकड़ी है इसमें अच्छे तरीके से फिक्स हो सके। तो इसे हमने कुछ इस टाइप से कट कर लिया है, आप देख सकते हो अब जो हमारी लकड़ी है इसमें अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो इसे फिक्स करने से पहले हमें क्या करना है कि इसके चारों तरफ हमें अच्छी तरीके से फेविकॉल को लगा देना है ताकि जो हमारी लकड़ी है ये इसमें अच्छी तरीके से चिपकी बनी रहे। और हाँ फ्रेंड्स, हमारी जो लकड़ी है ये ज़्यादा वजनदार नहीं होनी चाहिए, बहुत ही हल्की वेट की होनी चाहिए ताकि फ्रेंड्स हमारा जो प्लेन है वो अच्छी तरीके से उड़ सके। अब इस लकड़ी को क्या करना है कि इसमें कुछ इस टाइप से फिक्स करके इसे अच्छी तरीके से चिपका लेना है। तो आप देख सकते हो कि हमने लकड़ी को अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब हम इसके ऊपर साइड से टेप को और चिपका देंगे ताकि जो हमारी लकड़ी है इसमें अच्छी तरीके से फिक्स बनी रहे, और इसी टाइप से हम इस विंग के चारों तरफ टेप को अच्छी तरीके से चिपका देंगे ताकि जो हमारी विंग है इसमें मजबूती बनी रहे, क्योंकि जो हमारा आरसी प्लेन है वो कई बार गिर जाता है तो उस वजह से हमारा जो विंग है ये टूट ना जाए, इस वजह से हम इसके चारों तरफ टेप को अच्छी तरीके से चिपका देंगे। We'll be right back.
आप देख सकते हो कि हमने इसे कुछ इस टाइप से चिपका लिया है और इसके चारों तरफ हमने टेप को चिपका करके इसे हमने और मजबूत कर लिया है। अब इसके बाद हम प्लेन की साइज का कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं। तो आपको गूगल पर लिखना है आरसी प्लेन कैलकुलेटर और इसे सर्च करना है और सबसे पहले वाली साइट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, ट्रेनर, स्पोर्ट और ग्लाइडर। जो भी आप प्लेन बनाना चाहते हो उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर है एयरप्लेन विंग स्पैन। यहाँ पर आपको एयरप्लेन की साइज को सबमिट कर देना है। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से उसकी सारी डिटेल निकल आई है कि आपका एयरप्लेन का विंग कितना होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर कितना होना चाहिए, वर्टिकल स्टेबलाइजर कितना होना चाहिए और इसमें कितने केवी की मोटर लगेगी, कितनी सेल की बैटरी लगेगी और इसका टोटल वेट कितना होना चाहिए। पूरी डिटेल इसमें दिया गया है और उस हिसाब से आप एयरप्लेन बना सकते हो। और इसके बाद जो हमारी प्लेन की फ्यूजर लेंथ है उसके आगे से करीब 5 इंच छोड़ करके एक मार्किंग का निशान लगा लेना है और उसके बाद हमें ग्लू गन की मदद से इसकी पीछे साइड पर तरीके से ग्लू लगा देना है और फिर जो हमारा प्लेन का मेन विंग है इसके मिडल पर एकदम अच्छी तरीके से इसे चिपका लेना है और फिर इसके पीछे साइड पर भी हमें ग्लू गन की मदद से अच्छी तरीके से ग्लू लगा देना है और ग्लू लगाने के बाद जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है इसे एकदम मिडल में अच्छी तरीके से चिपका लेना है और फिर जो हमारा वर्टिकल स्टेबलाइजर है इसके नीचे साइड पर हमें ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा करके और इसे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के मिडल में एकदम अच्छी तरीके से चिपका लेना है। और फिर इसके बाद हमें लेना है कुछ इस टाइप की तीन सर्वो मोटर। हमारी एक सर्वो मोटर दोनों एलरोन के लिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स होगी और दूसरी वाली सर्वो मोटर ये एलिवेटर के लिए यहाँ पर फिक्स होगी और तीसरी वाली ये रडर के लिए यहाँ पर फिक्स होगी। तो जो हमारी पहली वाली सर्वो मोटर है इसे हम फिक्स कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना कि ब्लेड की मदद से या पेपर कटर की मदद से एक सर्वो मोटर की साइज का गड्ढा सा कर लेना है और इस पर जो हमारी सर्वो मोटर है कुछ इस टाइप से फिक्स होगी। तो इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं कि सर्वो मोटर के चारों तरफ हम ग्लू गन की मदद से इस पर अच्छी तरीके से ग्लू लगा दे रहे हैं ताकि जो हमारी सर्वो मोटर है ये अच्छी तरीके से चिपकी बने रहे और फिर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका लेना है। और इसी टाइप से एलिवेटर और रडर के लिए भी हमें सर्वो मोटर को फिक्स करके चिपका लेना है। तो फटाफट से हम इन दोनों मोटर को फिक्स करके चिपका लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने एलिवेटर और रडर के लिए दोनों ESC को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हमने PVC शीट के कुछ इस टाइप के दो पीस कट कर लिए हैं जिसके मिडल पर हमने एक होल कर लिया है और ये सर्वो मोटर के सामने एलिवेटर पर कुछ इस टाइप से फिक्स होगा। तो हमें क्या करना है कि एलिवेटर पर एक छोटा सा कट लगा देना है और जो हमारी PVC शीट है इस पर हमें क्या करना है ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा करके और जो हमने कट लगाया था उस पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके इसे चिपका लेना है। और इसी टाइप से दूसरे वाले पीस को क्या करना है कि रडर पर फिक्स करके चिपका लेना है। तो इसे भी हमने चिपका लिया है और इसी टाइप से हमने दो पीस और लिए हैं और इन दोनों पीस को दोनों एलरोन पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका लेना है। तो हमने दोनों पीसेस को अच्छी तरीके से चिपका लिया है और फिर हमने कुछ इस टाइप के दो पतले पतले तार लिए हैं जो कि हमने इन्हें कुछ इस टाइप से मोड़ लिया है और इस तार को क्या करना है कि सर्वो मोटर के एक सिरे से कनेक्ट कर देना है और इस तार के दूसरे वाले सिरे को एलरोन से कनेक्ट कर देना है और इसी टाइप से दूसरे वाले तार को सर्वो मोटर के दूसरे सिरे से कनेक्ट करके दूसरे वाले एलरोन से कनेक्ट कर देना है। अब हम जैसे ही सर्वो मोटर को घुमाते हैं तो आप देख सकते हो कि जो हमारे एलरोन है वो अप डाउन हो रहे हैं। और इसके बाद हमें लेना है एक ब्रशलेस मोटर। हमारी जो मोटर है ये 2200 केवी की है, आप चाहो तो 1400 केवी की मोटर ले सकते हो। और इसके लिए हमने PVC शीट का कुछ इस टाइप का एक होल्डर बनाया है और इसमें हमारी जो मोटर है ये कुछ इस टाइप से फिक्स होगी। तो इसे कुछ इस तरीके के छोटे छोटे बोल्ट की मदद से अच्छी तरीके से कस लेना है जो कि आप देख सकते हो कि हमने होल्डर में मोटर को अच्छी तरीके से फिक्स कर लिया है। अब हमारी जो मोटर है इसे प्लेन के आगे साइड कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया है और इसके बाद हमने दो पहियों का कुछ इस टाइप का स्टैंड बनाया है और इसे क्या करना है कि जो हमारा प्लेन है इसके नीचे साइड पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से चिपकाना होगा। तो जो हमारा प्लेन है इसे पलट लेना है और पलटने के बाद इस स्टैंड को कुछ इस टाइप से फिक्स करके और ग्लू गन की मदद से इसे अच्छी तरीके से चिपका लेना है। तो इसे हम फटाफट से चिपका लेते हैं। तो इसे भी हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया है और इसके बाद हम कुछ इस टाइप का एक और पहिया ले रहे हैं और इसे क्या करना कि प्लेन के पीछे वाले हिस्से पर यहाँ पर चिपका लेना है। तो इसे भी हमने अच्छी तरीके से चिपका लिया है और जो हमारे प्लेन है इसके पहिए कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद हमें क्या करना कि हमें लेना है एक 30 एम्पीयर की ESC और इसके जो तीन वायर हैं इसे मोटर के तीनों वायर से कनेक्ट कर देना है। जो हमारे मोटर का मिडल वाला वायर है उसे ESC के मिडल वाले वायर से कनेक्ट करना है, बाकी के दो वायर हैं उन्हें आप चेंज करके मोटर के डायरेक्ट
डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। और इसके बाद हमें डबल साइडेड टेप लेना है और इसे क्या करना है कि ESC पर कुछ इस टाइप से चिपका देना है और फिर इसके कवर को निकाल करके अलग कर देना है और इस प्लेन के नीचे साइड पर यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका देना है और फिर इसका जो सिग्नल वाला वायर है इसे पीछे की साइड कर लेना है। और इसके बाद हमें लेना है एक 6 चैनल वाला रिसीवर जो कि आप देख सकते हो 6 चैनल का है और जो हमारे एलोरन वाली सर्वो मोटर है इसे चैनल नंबर पहले पर कनेक्ट कर देना है और जो हमारे एलिवेटर वाली सर्वो मोटर है इसे चैनल नंबर दूसरे पर कनेक्ट कर देना है और जो हमारी ESC है इसे चैनल नंबर तीसरे पर कनेक्ट कर देना है और जो हमारा रडर है इसे क्या करना है कि इसे चैनल नंबर चौथे पर कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि हमने चारों कनेक्शन कर लिया है और रिसीवर को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से फिक्स करके चिपका दिया है। और इसके बाद हमें लेना कुछ इस टाइप के एक प्रोपेलर और इसे क्या करना है कि जो हमारी ब्रशलेस मोटर है उसमें कनेक्ट करके इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। और फिर हमें लेना एक लिपो बैटरी जो कि आप देख सकते हो कि 1000 mAh की है और इस बैटरी को प्लेन में ऐसी जगह पर फिक्स करना होगा जहाँ पर हमारे प्लेन का CG मेंटेनेंस बना रहे और इस प्लेन का CG इसकी मेन विंग की 25% पर होता है। अब हमें क्या करना है कि बैटरी पर डबल साइडेड टेप को कुछ इस टाइप से चिपका देना है और फिर इसके कवर को निकाल करके अलग कर देना है और फिर इस बैटरी को इस प्लेन के CG के हिसाब से चिपका देना है। तो इस प्लेन का CG यहाँ पर आ रहा था तो हमने इस बैटरी को यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका दिया है। और अब हम आपको इस प्लेन का CG चेक करके दिखा दें जो कि आप देख सकते हो कि हमारा प्लेन है एकदम सीधा है यानी कि इसका जो CG है एकदम परफेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्लेन है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए हमें लेना है कुछ इस टाइप का एक ट्रांसमीटर और इसके स्विच को ऑन कर देना है और फिर क्या करना है कि ESC को बैटरी से कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो कि इसमें पावर आ चुका है। अब हम जैसे ही इसी ट्रांसमीटर के थ्रोटल को नीचे करते हैं तो आप देख सकते हो कि ट्रांसमीटर से हमारा जो प्लेन है वो कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे ही हम थ्रोटल को लेफ्ट राइट कर रहे हैं हमारा जो एलोरन है वो भी अप डाउन हो रहे हैं और जैसे हम थ्रोटल को ऊपर नीचे करते हैं तो जो हमारा एलिवेटर है वो भी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है यानी कि जो हमारे प्लेन के सभी पार्ट हैं वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं और हमारा प्लान है वो उड़ने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए फिर हम इसे उड़ा करके देखते हैं। तो गाइस हमारा जो प्लान है वो उड़ने के लिए एकदम रेडी है लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास कहीं पर भी एक प्लेन रनवे नहीं है। इस वजह से हमने इसकी जो व्हील यानी कि पहिया थे वो निकाल दिए हैं। अब हम इसे ऐसे ही उड़ा करके देखते हैं लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज से पहले मैंने कभी भी RC प्लेन नहीं उड़ाया है और ना ही मुझे इसे उड़ाना आता है लेकिन फिर भी हम इसे उड़ा करके देखते हैं कि हम इसे उड़ा पाते हैं या नहीं। तो चलिए फिर हम इसे उड़ा करके देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो हमारा प्लेन है वो क्रैश होने के बाद भी कितना मस्त है एकदम सही सलामत है बिल्कुल भी इसका टूटा फूटा नहीं है लेकिन फ्रेंड्स हमें अच्छी तरीके से उड़ाना नहीं आता है जिस वजह से ये क्रैश हो चुका है लेकिन फिर भी आपने देखा कि ये हमारा जो प्लेन है वो कितने अच्छे तरीके से उड़ा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।